Good morning, my beautiful, beautiful viewers from all over the world. How are you all doing? I'm doing good. So, यहाँ पे हो रहे सुबह के 10:30 and I'm going to prepare some breakfast which I thought I should share with you guys क्योंकि मैंने ये रेसिपी अभी थोड़ी देर पहले सीखी है और कैसे सीखी है मेरी एक बहुत प्यारी आंटी है जो मेरे हमजा में रहती है शिल्पा आंटी. मैं कभी इंडिया गई तो मैं ज़रूर उनको वीडियो पे लाऊंगी किसी ना किसी वीडियो पे क्योंकि शी इज़ एन अमेजिंग कुक गाइज. बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खाना बनाती है एंड मैं उनको कब से बोल रही हूँ कि उनको वीडियोस बनाने चाहिए बिकॉज अमेजिंग. मतलब मैं उनकी तारीफ करते कभी थकती नहीं हूँ. बहुत मज़े के खाना बनाती है. तो आज सुबह मेरी उनसे एक्चुअली बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि उनके होते हुए मैं क्यों ना ये रेसिपी उनसे सीख लूँ क्योंकि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स भी थे. ये है सूजी का चिल्ला गाइस. तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या चाहिए हमें सूजी के चिल्ले के लिए. मैंने यहाँ पे ना 1.5 घंटा पहले थोड़ा सूजी दही में भिगो के रखा है अलॉन्ग विथ सम बेसन. सो ये आप देख सकते हैं दिस इज 1 टीस्पून. तो मैंने सबसे पहले जो लिया है 2 टीस्पून्स ऑफ सूजी एंड 3 to 4 टीस्पून्स ऑफ दही. अगर दही ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप 3 to 4 टीस्पून्स ऑफ दही ले लीजिए, नहीं तो अगर ज़्यादा खट्टा है ना तो फिर आप थोड़ा कम लीजिएगा, ठीक है. और हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑफ बेसन, ठीक है ना. तो 1.5 घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दीजिए क्योंकि दही से ना ये थोड़ा फूल जाता है. ओके, सो इट विल गिव अ गुड टेस्ट लेटर. एंड देन मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं प्याज, टमाटर एंड मिर्ची. सो प्याज आप देख नहीं पा रहे क्योंकि छुप गए हैं टमाटर की वजह से, नेवर माइंड. और यहाँ पे है थोड़े से धनिया पत्ता, ठीक है ना. तो ये सब मैं अभी मिक्स कर दूंगी. सो गाइज, एज यू कैन सी, मैंने वो जो टमाटर और प्याज काट के रखे थे अलॉन्ग विथ मिर्ची एंड धनिया पत्ता, I have mixed them all together and अभी मैं तवा गरम करके उसमें हल्का सा तेल ब्रश करके चिल्ला बनाने वाली हूँ. तो जी, मैंने इस तरीके से तेल को गरम करके मैंने इवनली कोशिश किया है इसको स्प्रेड करने की. ओके गाइज, सो आई एम मेकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर अच्छे से शेप नहीं बना पाई. फर्स्ट अटेम्प्ट है सो चलता है आई थिंक, है ना. सो गाइज, ये रहा चिल्ला. आई नो इतना अच्छा, इतना क्या, खाने में बहुत टेस्टी है बट लुक वाइज इट्स नॉट वेरी गुड. आई नो बट प्लीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे आप इस बार के लिए कंसिडर कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम आई प्रोमिस मैं आई विल मेक इट बेटर. गाइज, माई ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर टुडे. ये चिल्ला एंड आई मेड एन ऑमलेट ऑल्सो. सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं साथ मिलके. सी यू इन सम टाइम. तो गाइज, ब्रेकफास्ट तो हो गया है. बड़ा मज़े का बना था वो चिल्ला जो है ना. आई नो लुक वाइज इतना अपीलिंग नहीं था बट खाने में तो बहुत ही स्वाद था. तो चलिए, ब्रेकफास्ट का एपिसोड इज ओवर और अब मैं बनाने वाली हूँ लंच बिकॉज अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 हो ही गए एंड आई एम ऑलरेडी लेट. तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में सोया बीन्स. और सबसे पहले मैं जो करने वाली हूँ वो है थोड़ा सा गर्म पानी में इसको सोक करके रखूँ. ओके, सो तब तक ये सोयाबीन जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए. सो जब तक बन रहे हैं सोयाबीन, आई मीन सोयाबीन जब तक सोक हो रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ी कॉफ़ी पिया जाए. माई फेवरेट एक्टिविटी एक्चुअली, और जब मौसम भी बहुत प्यारा हो. सो येस, नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई कॉफ़ी एंड साइड बाई साइड आई एम गोइंग टू कुक. सो ये रहा मेरा कॉफ़ी, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एड सम कोको पाउडर. जब तक सोयाबीन सोक इन हो रहा है मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी चिट चैट हो जाए. सिंस इट्स कॉफी टाइम नाउ, सो व्हाई नॉट चिट चैट्स ओवर कॉफी, कप ऑफ कॉफी. हाँ जी, तो आई थॉट मीनवाइल आई टेक यू थ्रू गाइस माय हैप्पी प्लेस व्हिच इज दिस. दिस इज हाफ पोर्शन ऑफ माय रेफ्रिजरेटर. एक्चुअली पिछले साल जहाँ हम गए है ना घूमने एज इन, तो कुछ मेमोरीज है जहाँ जो मैं यहाँ पे कैद करके मैंने रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिज मैग्नेट्स.
I'll show you this picture, guys. It's पहले मैं introduce करा दूँ आपको. बीच में जो है ये मेरे husband है and उनके बगल में जो है he is my father-in-law. So last year he was here. So हम गए थे Hoover Dam, guys. It's so वेगस से ये कुछ 3 hours की journey है. So on our way from Vegas to Los Angeles, we stopped by here. So it's basically situated in the Black Canyon of Colorado River between two states, guys. So आपके Nevada and Arizona, and it was constructed in the year 1931 and 1936. Yes, it's a beautiful dam and it's man-made, guys. इसकी बहुत एक लंबी चौड़ी history है. I'll try and mention it in the description box. So ये है. फिर हम गए थे यहाँ पे नापा वैली. वहाँ पे there's this beautiful castle, guys. I mean, this is a place which is a wonderland. बहुत ही खूबसूरत जगह है, vineyards है. So ये देख पा रहे हैं छोटी सी wine bottle like a fridge magnet. ये नापा वैली से है and this is Carmel, which is very close to San Francisco. So ये है Lake Tahoe, guys. अगर आपको याद हो कल मैंने एक video shoot किया था, उसमें मैंने Lake Tahoe के बारे में बताया था. So ये वहाँ का है. Rest तो बस इधर उधर आसपास की. ये एक vintage car है. We went to an automobile museum. वहाँ से हम गए थे. और बाकी ग्रैंड कैनियन ये तो पता ही होगा सबको, विच इज़ वेरी फेमस नेशनल पार्क ग्रैंड कैनियन. और ये ऐसे ही हम दोनों की एक पिक्चर है. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पाम स्प्रिंग. सो वहाँ का है ये. और यहाँ पे एक्चुअली कैलिफोर्निया के आसपास बहुत ही खूबसूरत जगह है. 3-4 घंटे की ड्राइव पे बहुत सारी ऐसी जगह है जो जहाँ हम लॉन्ग वीकेंड पे जा सकते हैं. तो इस साल तो थोड़ा ब्रेक लग गया, बट नेवर माइंड. सो गाइज, सोयाबीन अच्छे से सोक इन हो गया है. अब ये आलू और सोयाबीन जो है आई एम गोइंग टू फ्राई देम. यू कैन सी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से. और मैं इसको सबसे पहले फ्राई इसलिए करने वाली हूँ बिकॉज सोयाबीन का जो एक टिपिकल स्मेल है ना वो निकल जाएगा अगर हम इसको पहले. सोयाबीन की ग्रेवी बनाने के लिए वी नीड एन अनियन. आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसे पीसेस में भी काट सकते हैं. एंड वी नीड सम ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक एंड हाफ अ टोमेटो आई हैव टेकन बिकॉज ये टमाटर बहुत ही बड़ा था तो मैंने इसको हाफ में काट के रख दिया है. इसको पीसेस में काटने वाली हूँ. एंड देन वी नीड सम साबुत गरम मसाला. सो इसमें मैंने क्या क्या लिया है आप देख सकते हैं. ब्लैक पेपर्स एंड सम सिनेमन स्टिक्स एंड सम इलायची. इसको मैं क्रश करके सबसे पहले छौंक लगाने वाली हूँ. ऑल्सो वी नीड सम साबुत जीरा एंड थोड़ा सा हिंग और ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड हल्दी तो चाहिए. हाँ, आफ्टर आई हैव फ्राइड देम ऑल, सोयाबीन और आलू इस तरीके से फ्राई करके आप साइड में रख दीजिए बिफोर यू मेक. सो गाइज, तेल गरम हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम हिंग. 1 pinch ऑफ हिंग, थोड़ा सा जीरा, अनदर पिंच ऑफ जीरा एंड ये है मेरे साबुत गरम मसाले जो मैं डाल दूंगी. एंड 1 dry रेड चिली. ओके जी, तो ये इसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी जब तक ये अच्छी एक अरोमा ना आ जाए. सो गाइज, इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें जिंजर गार्लिक एंड अनियंस. नाउ आई लेट इट फ्राई फॉर सम टाइम. ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर. सो गाइज, टमाटर डालने के बाद ना थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको ढक दूंगी. नमक डालने से होगा क्या, ये टमाटर ना जल्दी पक जाएंगे. ठीक है. ओके गाइज, सो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है एंड नाउ इट्स द टाइम मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी. ओके, ये गया हल्दी इसमें और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ताकि कलर आ जाए. अब अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी. Here you go guys, मैंने सोयाबीन इसमें डाल दिया है. अब इसको ना अच्छे से जितने देर आप मसाले के साथ इसको पका सकते हैं उतना ही टेस्ट आएगा इसमें. एंड वन मोर थिंग वी नीड टू ऐड हियर इज दिस.
MDH का किचन किंग मसाला, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, यू डोंट नीड मच, बस हाफ अ टीस्पून। ज़्यादा अब डालेंगे ना तो बहुत ही एक झाग आ जाता है, सो ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में काम है, आई विल बी बैक इन अबाउट हाफ एन आवर, सो आई विल कैच यू गाइस इन सम टाइम। सो बस अभी एंटर करने वाली हूँ, पहुँच ही गई मैं पोस्ट ऑफिस। एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, सो लेट्स गो। क्यू है, हमें आई थिंक क्यू में वेट करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे मार्क्स बना के रखा है, 6 फीट के डिस्टेंस में लोग ऐसे दे वेटिंग। सो लेट्स गो। सो अभी यहाँ पे हम आए हैं कुछ एनवेलप लेने। सो रेडी है अभी हमारा लंच, अभी थोड़ी देर में हम कर लेंगे लंच। ये रहा सोयाबीन की सब्ज़ी जो अभी मैंने बनाई थी, आलू सोयाबीन, साथ में कल थोड़ी सी मसूर दाल बनाई थी, सो दैट्स इट। और चावल भी रेडी है, तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, 2:30 बज रहे, काफ़ी लेट हो गया आज लंच के लिए। सो गाइज, टाइम टू रैप अप द ब्लॉग। यहाँ पे हो रहे शाम के 8:30 बजे, बहुत ही प्यारा है शाम, यहाँ पे इतना खूबसूरत लगता है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम वॉक भी करके आए हैं और कल से लॉन्ग वीकेंड शुरू। सो गुड नाइट गाइज, स्टे सेफ। इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। बाय बाय।